नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में जब भी वायलिन का जिक्र आता है तो मौजूदा कलाकारों में जिनका नाम सबसे मजबूती से लिया जाता है उनमें से एक नाम है कला रामनाथ जी का। ये रागगिरी का सौभाग्य है कि कला जी आज हमसे जुड़ रही हैं। कला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शिवेंद्र जी, रागगिरी में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे कला जी, जब आपकी परंपरा महान कलाकार एन राजम जैसे नाम से जुड़ी हुई हो तो फिर उसके बाद बाकी कुछ ज्यादा कहने को रह नहीं जाता। उस परंपरा को जिस मजबूती के साथ आप निभा रही हैं उसके बारे में कुछ बताइए। शिवेंद्र जी, जैसे आपने कहा, राजम जी मेरी बुआ हैं। मैं अपने घर में 7वीं पीढ़ी में हूँ संगीत में। मेरे परदादा ट्रावणकोर राज दरबार में राज गाए थे। मेरे दादाजी ने मेरी संगीत शिक्षा की शुरुआत मेरे 2 साल की उम्र में की। थोड़ा बहुत मैंने अपनी बुआ से भी सीखा है, पर दादाजी ने ही मुझे पूरी वायलिन की शिक्षा दी है। कला जी, इस जो रागगिरी का जो ये इंटरव्यू का सेक्शन है उसकी एक रवायत है, उसकी एक उस रवायत के हिसाब से आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो वायलिन आपके हाथ में हम देख रहे हैं उससे कोई भक्ति रचना से अगर हम शुरुआत करें, क्योंकि जनरली हम ऐसा ही करते हैं, कोई भक्ति रचना सुनते हैं और उसके बाद इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाएंगे। वो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, उसका 2-3 लाइन बजाती हूँ। अच्छा कला जी, ये जानना चाहेंगे, ये समझना चाहेंगे कि बचपन में निश्चित तौर पर परिवार में संगीत की परंपरा थी, परिवार में संगीत था, संगीत के संस्कार थे, लेकिन वायलिन ही सीखना है ये फैसला कैसे हुआ था, इसके पीछे की वजह क्या थी? वायलिन या गाना या और कोई इंस्ट्रूमेंट, ये मैंने थोड़ी तय की। 2 साल की उम्र में दादाजी ने सोच लिया था कि मुझे वायलिन सिखाना है और वो भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। बस उन्होंने शुरू कर दी और जब तक मैं थोड़ी बड़ी हुई और कुछ समझने लगी तब तक मुझे संगीत और खासकर वायलिन बहुत पसंद आया और छोड़ने का नाम ही नहीं लेना था या और कुछ सीखने का। कला, हम इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई एक राग या जो भी आपके दिल के करीब हो कोई एक राग अगर आप बजा के सुनाएं हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। राग देश में एक कंपोजिशन सुनाती हूँ।
अच्छा कला जी, मुझे कहना चाहिए कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पंडित जसराज जी से मिलने का मौका मिला। रागगिरी को उनका आशीर्वाद भी था और मुझे कई ऐसे कलाकारों से इंटरव्यू करने का मौका मिला जो जसराज जी के शिष्य रहे हैं, करीबी शिष्य रहे हैं, चाहे फिर वो पंडित संजीव अभ्यंकर रहे हों या बाकी कलाकार रहे हों। सवाल मेरा यह है कि मैं सबसे ये पूछता हूँ कि एक गुरु के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर नहीं, एक गुरु के तौर पर आप पंडित जसराज को कैसे याद करते हैं? तो यही सवाल मेरा आपसे भी होगा। बचपन से मैं पंडित जी का गाना बहुत पसंद करती थी। जब भी उनका गाना मैं रेडियो में सुनती थी तो मुझे लगता था कि संगीत अगर इतना सुंदर है तो जीवन भर यही करना है। और बाद में उनके शागिर्द होने का सौभाग्य मुझे मिला। मेरे पिताजी मेरे बचपन में गुजर गए और मेरी बुआ राजम जी ने उसी समय मुझे उनके साथ संगत करने के लिए प्रोग्राम्स में ले जाया करती थी। तभी पंडित जी से पहली मुलाकात हुई। वो हमेशा मुझे उनके म्यूजिकल डॉटर कहते थे। मैं रागगिरी के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा, खैर क्या ही बताऊँगा, पंडित जसराज जी का जो कद है भारतीय शास्त्रीय संगीत में, पूरी दुनिया वो जानती है, उसके बारे में हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और पंडित जसराज जी का मैं कोट पढ़ रहा हूँ, वो कहते हैं कि ऑल आई कैन से दैट आई एम थैंकफुल टू द ऑल माइटी दैट ही हैज़ गिवेन मी कला। क्योंकि पंडित जी से कला, जिन्हें लंबे समय तक संगीत सीखा है, आप कला, ये समझना चाहेंगे आपसे, जसराज जी का गुरु होना आपका कैसे देखते हैं आप इसको? गुरु के तौर पे मैं क्या कहूँ। देखिए, संगीत एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। स्वर और श्रुतियों का जगह आप आँखों से देख नहीं सकते हैं, पर उसके विजन एंड प्लेसमेंट मेरे दिमाग में उन्होंने बिठाया है। और गुरु के तौर पे बहुत ही दिल खोल के सिखाते थे। मतलब अपने पास कुछ रखते नहीं थे, सब दे दिया करते थे। जितना उनको आता है उनको सब कुछ बताते थे ऐसे। और कभी भी सिखाते थे, कभी भी हम कुछ पूछ सकते हैं, या मतलब ट्रैवल में सिखाते थे, खाना खाने के टेबल जब बैठते हैं तब भी कुछ बताते थे। हमेशा ही उनके साथ हम सीखते थे। और इतना ही नहीं कि सिर्फ संगीत, मतलब अपने आप को कैसे पेश करना है लोगों के सामने, फिर कैसे अच्छे कपड़े पहनने हैं, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन। बहुत सारी चीज़ें मुझको सीखने के लिए मिला उनके उनके पास जब मैं थी। जैसे एक छोटी सी चीज़, एक हम लोग कहीं जा रहे थे, या मेरी पहली ट्रिप थी आउट ऑफ इंडिया, अमेरिका जा रही थी, तो मेरे पास एक सूटकेस था, पुराना सूटकेस। तो बोले कि ये ले जाओगे, ये तो नहीं ले जाना करके उन्होंने मंगवाया नया सूटकेस, और कहा कि जब तुम उतरोगे लोग तुम्हें लेने आएंगे और ऐसे गंदा सूटकेस तुम ले जाओगे क्या। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हमको सीखने को मिला है। तो गुरु के तौर पे मैं, आई हैव नो वर्ड्स, वो अलग ही थे। मतलब अ फादर फिगर, अ गुरु, आई कांट आस्क फॉर मोर। मेरे जो पिताजी नहीं रहे मेरे पास, उसका जो कमी उन्होंने पूरा की मेरे लिए। अच्छा कला जी, आपके तो अगर मैं उपलब्धियों की लिस्ट लेके बैठूं तो शायद ये इंटरव्यू कई घंटे तक चलेगा। ग्रैमी नॉमिनेशन, 50 सबसे सबसे सशक्त भारतीय संगीतकार या संगीत से जुड़े लोग, तो इस तरह की जो उपलब्धियां हैं आपके पास, उनको आप कैसे देखती हैं? ये उपलब्धियां क्या और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करती हैं? ये उपलब्धियां दरअसल आपको क्या सिखाती हैं, क्या कहती हैं आपसे? एक उपलब्धि जिसके बारे में आपने अभी जिक्र किया, भारत के सबसे सशक्त 50 कलाकार, वो भारत के नहीं दुनिया के सबसे सशक्त 50 कलाकारों में मेरी गिनती हुई है। हमारे भारत से पंडित रविशंकर, उस्ताद अमजद अली खान साहब, उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, इन चारों के अलावा मुझे चुना है सॉन्ग लाइन्स मैगजीन ने। ये सारी उपलब्धियाँ से डेफिनेटली
इनकरेजमेंट और इंस्पिरेशन तो मिलती ही है, पर सबसे ज़्यादा आई फील हम्बल्ड कि मुझे ये मौका ऊपर वाले ने दिया है और मुझे चुना है इसके लिए। अच्छा कला, मैं ये भी समझना चाहूंगा कि वॉयलिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जितना पॉपुलर भारतीय शास्त्रीय संगीत में है उतना ही पॉपुलर वेस्टर्न म्यूजिक में भी है। तो क्या इससे कोई चैलेंजेस होते हैं? किस तरह से, मतलब दोनों के बीच का फर्क जो है वेस्टर्न क्लासिकल में और इंडियन क्लासिकल में वॉयलिन को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में ये साज बहुत पॉपुलर है, उत्तर भारतीय संगीत में नहीं, क्योंकि ये साज करीब 200 साल से ही बजाया जा रहा है यहाँ पे। पाश्चात्य संगीत और हमारे संगीत में साज एक ही है, पर उसको मिलाना, उसको बजाना, उसकी जो टेक्निक और उसको हम कैसे पकड़ते हैं, जैसे हम नीचे बैठ के बजाते हैं, पाश्चात्य संगीत में उसको खड़े होके बजाते हैं, इतना कह सकती हूँ कि हमको सुन के विदेश में सब लोग चौंक जाते हैं कि ये वायलिन ही है क्या। उनको लगता है कि हमारे पास उनसे भी बेहतर टेक्निक है वायलिन बजाने के लिए। कला जी, आपका आपकी गिनती उन कलाकारों में से भी है जो वेस्टर्न कोलैबोरेशन भी करते हैं और उससे घबराते नहीं हैं, उससे हिचकते नहीं हैं, उसको कैसे देखती हैं आप? मैं जब कोलैबोरेशंस करती हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ अपना शास्त्रीय संगीत और राग चलते हैं, वो कुछ भी करें, मेरे दिमाग वो सब कुछ राग में उतार देता है और मैं सिर्फ राग बजाती हूँ। पर ये करने के लिए अपना शास्त्रीय संगीत का फाउंडेशन बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी कोलैबोरेशंस हो सकता है। ऐसा कोलैबोरेशन जिसमें हम अपना ही करें पर फिर भी उनके साथ लगता है कि हमने बहुत अच्छा मिलाया है अपना संगीत उनके संगीत के साथ। कला जी, एक बार फिर आपसे गुजारिश यही होगी कि हमें इस पवित्र साज से, इस पायस इंस्ट्रूमेंट से कुछ और सुनाइए। Thank you.
कला इस इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में हम लोग हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इन दिनों आप किस किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, और जिन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रही हैं, जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उसका उसकी कोई एक झलक, उसका कोई एक हिस्सा अगर आप हमें बजा कर सुनाएं और उसके बारे में बताएं भी। महामारी के वजह से इतना कुछ काम या प्रोजेक्ट्स मैंने नहीं की है, पर अभी प्लान कर रही हूँ कि दो एल्बम करना है। वो सब प्लानिंग स्टेज में है, कुछ कंपोज नहीं किया है, पर जल्दी ही कुछ अनाउंस करूँगी ज़रूर। कला जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम वाकई रागगिरी की तरफ से हम ये मानते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि एन राजम जी की परंपरा से जुड़े, उनके संस्कार से आए हुए कलाकारों से हमें बात करने का मौका मिल रहा है। हमारे लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत दिल से आभार, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। शिवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ रागगिरी में आमंत्रित करने के लिए, और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और ख़ासकर मुझे आपने याद किया, उसके लिए अ वेरी बिग थैंक यू।